हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैनन 90D और निकॉन का जो D7500 कैमरा है, उसमें आपको कौन कौन से जो फीचर्स है वो बेस्ट है और उसमें हम करने वाले हैं कंपेरिजन, और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, आप उसे किस लिए चॉइस कर रहे हो, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके समझ में आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं सन फोटो स्टूडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम तो कैनन 90D और निकॉन D7500 के जो कॉमन से स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। आपको कैनन 90D में जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये अभी फ़िलहाल ही कुछ 5 या 6 दिन हुए, जो आपको उसका है 28 अगस्त 2019 में ये 90D अभी आया है। और जो निकॉन 7500 ये आपको 17 में ये लॉन्च हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे जो मेगापिक्सल दोनों में कितना है, तो आपको 90D में मिल जाता है 33 मेगापिक्सल और APS-C CMOS सेंसर के साथ आपको ये 90D मिल जाता है। और निकॉन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको 21 मेगापिक्सल APS-C CMOS सेंसर के साथ आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट बात आती है ISO की, तो ISO आपको कैनन 90D में आपको 100 से 25,600 तक आप जा सकते हो मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 25,600 तक जा सकते हो। जो निकॉन में हमें देखने को मिलता है, आप ISO में 100 तक और 100 से 51,200 तक आप जा सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आप निकॉन में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ISO दिया है, जो उसका जो एक्सपांड है वो आप 1,64,000 तक आप उसका एक्सपांड कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है लेंस माउंट की, तो आपको कैनन में मिल जाता है EF-S माउंट मिल जाता है, और निकॉन में मिल जाता है आपको निकॉन F माउंट मिल जाता है निकॉन में। जब हम उसकी स्क्रीन की बात करें, तो स्क्रीन आपको 3 इंचेस में आपको मिल जाती है कैनन में, कैनन 80D में 3 इंचेस फुल एट्रीकल्चर स्क्रीन मिल जाती है आपको। और यहाँ पे हम निकॉन की बात करें, तो निकॉन में मिल जाता है आपको 3.2 इंचेस आपको मिल जाती है वो टिल्ट स्क्रीन आपको मिलती है, जो कि वी फाइंडर की बात करें हम, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्टिकल पेंटा प्रिज्म वी फाइंडर, जो दोनों में लगभग सेम ही है। और जो रेजोल्यूशन की बात आती है वीडियो की, तो आप दोनों में भी फुल HD वीडियो या 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, दोनों में भी आप सेम तरीके से वीडियो शूट कर सकते हो, अल्ट्रा HD तक आप शूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है वायरलेस, दोनों में भी सपोर्ट करता है। और जो बॉडी की वेट की बात करें हम, तो यहाँ पर आपको 90D में जो वेट है विदाउट लेंस हुआ आता है 701 ग्राम, और जो निकॉन में आता है विदाउट ओनली बॉडी का ओनली 720 ग्राम आपको यहाँ पर निकॉन की बॉडी का जो वेट है वो आपको मिल जाता है। जो नेक्स्ट बात आती है कि आपको 90D क्यों लेना चाहिए, जो चॉइस क्यों करना चाहिए आपको 90D, उसके जो कुछ भी निकॉन से ज़्यादा फीचर्स आपको 90D में देखने को मिलते हैं वो क्या है, वो हम अभी आपको बताते हैं। कि आपको मैक्स सेंसर रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि निकॉन में आपको मिलता है 21 मेगापिक्सल और कैनन में आपको मिलता है 33 मेगापिक्सल। इसका मतलब ये है कि 57% आपको मोर पिक्सल से यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है नंबर ऑफ क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट, तो यहाँ पर निकॉन में आपको मिल जाते हैं ओनली 50 क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट मिल जाते हैं, और आपको कैनन 90D में मिल जाते हैं 45 फोकस पॉइंट, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और मतलब कैनन में आपको 30 मोर क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट मिलते हैं, तो हमें जो स्पोर्ट फोटोग्राफी है उसके लिए ये बात बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट आता है LCD स्क्रीन रेजोल्यूशन, जो कि जो कैनन 90D है उसमें आपको मिल जाता है 1400K डॉट्स के साथ आपको मिल जाता है कैनन 90D, और निकॉन मिल जाता है 922K डॉट्स के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको 90D में मिल जाता है, मतलब 90D में आपको
12% हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जब कंटिन्यू शूटिंग की हम बात करें या करेंगे यहाँ पर, तो कंटिन्यू शूटिंग आपको कैनन में मिल जाती है 11 फ्रेम पर सेकंड और आपको निकॉन में मिल जाता है 8 फ्रेम पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि 3 फ्रेम पर सेकंड आप ज़्यादा से ज़्यादा कैनन में शूट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी अगर आप करते होंगे या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आप करते होंगे, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट होगा कैनन 90D, जो कि इसमें आपको 11 फ्रेम पर सेकंड देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की बात करेंगे हम, तो सिंगल चार्ज कैनन 90D शूट करता है 1300 शॉट्स, और जो निकॉन है उसमें सिंगल बैटरी चार्ज आप कर सकते हो 950 शॉट्स, जो कि बहुत मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो जब आपको निकालने होंगे तो आप कैनन 90D चॉइस करोगे। तो जो नेक्स्ट बात आती है वेट की, तो वेट की आपको यहाँ पर कैनन 90D मिल जाता है आपको 701 ग्राम का, और जो निकॉन आपको मिल जाता है 720 ग्राम का, जो कि इसमें आपको 20 ग्राम ज़्यादा दिया है निकॉन में और कैनन में कम दिया है। तो कैनन आपके लिए वेट उसका कम होगा तो आपका जो हैंड भी होगा वो भी ज़्यादा काम करेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी सेल्फी फाइनली LCD, मतलब आप इससे सेल्फी निकाल सकते हो 90D से, जो कि वो पूरी तरीके से रोटेट होती है, और निकॉन में आप नहीं कर सकते क्योंकि निकॉन में जो है टिल्ट है, आप सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो। जो यहाँ पर ऑटो फोकस की बात करेंगे हम एपर्चर की, तो यहाँ पर 27 पॉइंट आपको मिल जाते हैं एपर्चर, 8 एपर्चर पे 27 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, और निकॉन में आपको ओनली सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है, यह तो ना इंसाफी है भाई। और फोटो फोकस ऑटो फोकस विथ मिल जाता है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे हम निकॉन की कि क्यों हमें निकॉन लेना चाहिए, मतलब क्या रीज़न है जो कि हमको निकॉन में जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने दिए हैं मिनिमम 4 ऐसे रीज़न कि जो कि आपको निकॉन के पास खींच लाते हैं। यो वन है मैक्स ISO, यहाँ पर आपको ISO दिया है निकॉन ने, जो दिया है 51,200 का यहाँ पर ISO दिया है, और जो कैनन है यहाँ पर दिया है 25,600, जो कि बहुत ही कम है, मतलब आपको 100% हायर मैक्स ISO यहाँ पर निकॉन में मिल जाता है, जो कि आपको लो लाइट फोटोग्राफी अगर आप करते होंगे तो आपके लिए निकॉन बेस्ट होगा। और नंबर ऑफ फोकस पॉइंट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो आपको कैनन में मिल जाते हैं 45 फोकस पॉइंट, और निकॉन में मिल जाते हैं आपको 51 फोकस पॉइंट, जो कि आपको 6 मोर फोकस पॉइंट आपको यहाँ पर निकॉन में देखने को मिल जाते हैं। तीसरी बात देखेंगे हम निकॉन में जो LCD स्क्रीन है वो उसकी जो साइज़ है वो आपको निकॉन में मिल जाती है 3.2 इंचेस की आपको यहाँ पर मिल जाती है निकॉन में, और जो कैनन में मिलती है आपको वो 3 इंचेस, और यहाँ पर आपको 0.2 इंचेस लार्जेस्ट डिस्प्ले आपको निकॉन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेंसर पिक्सल साइज़ की, तो यहाँ पर सेंसर पिक्सल साइज़ है निकॉन का वो है 17.85 UM, और जो कैनन है उसका है 10.29 UM, जो आपको 73% आपको लार्जेस्ट पिक्सल एरिया यहाँ पर आपको निकॉन में देखने को मिलता है। तो हम यही थे कुछ एडवांस बातें जो कि आपको निकॉन 7500 और कैनन 90D में आपको ये कंपैरिजन मैंने आपको बताया है कि कौन सी बातें निकॉन की अच्छी है, कौन सी बातें जो कैनन की अच्छी है, दोनों में कौन सी बातें लगभग सेम ही है, तो ये सब मैंने आपके साथ आज शेयर किया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इनमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड का जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।